जय श्री राम। हम कुंडली के माध्यम से कैसे जान सकते हैं कि कौन सी पर्सनालिटी एक तरफ वो जो उद्देश्यहीन जिंदगी जी रहा है और दूसरी तरफ वो जो भागे जा रहा है दौड़ में रेस में अपनी अटेनमेंट्स के लिए, तो इनको एस्ट्रोलॉजिकली पत्रिका में कैसे हम जान सकते हैं। फर्दर अगर हम देखें किस प्रकार के प्रभाव है ग्यारहवें भाव में, फॉर एग्जाम्पल अगर एक उदाहरण के तौर पर मैं लूं कि ग्यारहवें भाव में शुक्र बैठा हुआ है, ऐसे में वो शुक्र जो है वो पांचवी में दृष्टि भी डालेगा, और अगर भली अगर खुदा ना खास्ता इस शुक्र पे राहु की दृष्टि आ जाए या राहु की युति हो जाए तो इंसान में हम आसानी से कह सकते हैं कुंडली में देख के कि महत्वाकांक्षाएं बहुत ही प्रबल होंगी। जो मैंने अभी छोटे ये सूत्र दिए हैं मैं अपने अल्पमति के द्वारा प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने, इसको मैं उदाहरण के द्वारा भी रखना चाहूंगी। तो जैसा कि हमारे सामने ये मीन लगन की राशि मीन लगन की पत्रिका है और लगन में ही चंद्रमा विराजित हैं, लग्नेश गुरु होके दूसरे भाव में बैठे हैं राहु केतु एक्सेस में, तो एक क्लू तो हमें यहीं से मिल गया इस जातक के बारे में कि ये दूसरे भाव की राशि जो है लग्नेश का जाना। जैसा कि हमें पता ही है कि दूसरा भाव जो है वो काल पुरुष की कुंडली का भाव टॉरस आता है और उस केस में हम व्यक्ति को व्यक्तित्व को पोजेशन से एसोसिएट करके देखते हैं, तो पहला क्लू तो हमें यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद हम विचार करेंगे ग्यारहवें भाव का। ग्यारहवें भाव को अगर आप दृष्टि डालें तो वहां पे सूर्य विराजित है और साथ में शनि जो ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं वक्री होके बली अवस्था में, क्योंकि वक्री हैं और त्रिकोण में आके पांचवें भाव में बैठे हैं और वहीं से वापस दृष्टि डाल रहे हैं ग्यारहवें भाव पे। ऐसे में इनकी दसवीं दृष्टि आ रही है गुरु पे लग्नेश पे भी। तो जो सूत्र मैंने भी आपके सामने साझा किया आपके साथ साझा किया कि अगर लग्नेश बली हो और साथ में ग्यारहवां भाव उसका भावेश भी बली और लगन लग्नेश के साथ संबंध बनाए तो ऐसे में व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं बहुत ही प्रबल देखी जाती हैं। और अगर आप मंगल का विचार करें या मंगल दिग्बल अवस्था में दसवें में उपस्थित है, तो अब मैं बताती हूँ कि हुआ क्या। ये जातक हमारे पास आए और इनका जो प्रश्न था वो ये था कि इन्होंने अलग अलग तरह के बिजनेसेस किए हैं, ये बॉम्बे में सेटल्ड हैं आप, और कुछ बिजनेसेस में इनको सफलता मिली और कुछ में असफलता मिली। इनका सवाल ये था कि ये अपनी नेटवर्थ को 100 करोड़ के करीब आंकते हैं, वहां लेके जाना चाहते हैं, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या इनको जॉब देखनी चाहिए या अपने ही जो इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है उसी को कंटिन्यू करें, क्योंकि ये चाहते थे कि इनकी नेटवर्थ आने वाले टाइम में 100 करोड़ के करीब करीब हो जाए। तो हमें एक बहुत ही कंफर्मेटरी तरीके से पता चलता कि राहु जो है एट्थ में बैठा हुआ है, एट हाउस में बैठा हुआ है। साथ ही साथ अगर हम देखें हम इस जातक की चंद्र कुंडली और लगन दोनों ही एक ही हैं, तो मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगी ये काफी दुखी हैं आजकल क्योंकि इनके बिजनेसेस नहीं चल रहे और इन्होंने अपना लक्ष्य बहुत ही ऊंचा रखा हुआ है। भवा जी और नितिन जी आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कई नक्षत्र कई लग्न कुछ इस प्रकार के होते हैं कि वो इंसान को प्रेरणा देते हैं, भौतिकवाद की तरफ अग्रसर करते हैं, मटेरियलिज्म की तरफ लेके जाते हैं, और कुछ लग्न कुछ और प्रकार के होते हैं जैसे भवा जी ने हमें बताया कि केमिस्ट्री बिटवीन मैन एंड वुमन उस तरह वो अग्रसर हो जाते हैं। प्लीज कुछ प्रकाश डालिए। भावा जी, तो पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा या कि भाई हम कई लोगों को कहते हैं कि आपको थोड़ा सा लाइफ में ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए सो दैट आपको सक्सेस मिले, आप कुछ कर पाए, तो आप इसको किस तरह से देखते हो चार्ट में, मतलब किन चार्ट में हम कहें कि यार हाँ आपको कुछ ऑब्जेक्टिव बना के उसे फॉलो करना चाहिए जैसे कि अभी बात आई। हाँ, तो मेरा जैसा लिमिटेड एक्सपीरियंस है उसमें मैंने देखा है कि लग्नेश का जो स्थिति है ना, हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे हमें दो चीजों को अलग अलग देखना है। जैसा आजकल प्रॉब्लम क्या हुआ है, जब भी हम बोलते हैं ना लाइफ में कुछ करेंगे तो हम इनडिरेक्टली ये मीन करते हैं कि करियर में क्या करेंगे लेकिन आजकल वो ऐसा हो गया कि वही लाइफ, मतलब लोग जैसा सोचते कि करियर में मैंने जो किया लाइफ में भी वही किया मैंने ना, तो मैंने देखा है कि अगर जैसा लग्नेश का या टेंथ लॉर्ड दसवें घर का जो स्वामी है इनका अगर कोई संबंध है कुंडली में, तो
कुछ भी होता है ना, ये लोग बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जो बोलते हैं ना खुद ही उनके अंदर ही बहुत प्रेरणा होती है कि आगे जाने के लिए। लेकिन अगर मैंने देखा है कि मान लीजिए किसी का जो लग्नेश है ना वो अच्छी स्थिति में नहीं है, या उनका जो दशमेश है वो भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ऐसे लोगों का कभी कभार क्या होता है कि उनको लगता है कि मैं करना चाहता हूँ लेकिन या तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, और अगर जैसे मैंने ये जो गया ना शनि का लिंक मैंने देखा है स्पेसिफिकली, क्योंकि शनि वो एक हिंदी में क्या बोलते हैं पेसिमिज्म को, नकारात्मक वो भाव होता है, राइट राइट, और शनि का जैसा चंद्रमा से युति हो गया अगर, और साथ में ये लग्नेश या दशमेश या ज्यादातर केस में मैंने देखा है कि जब लग्नेश पंचमेश और नवमेश ये तीनों ही खराब स्थिति में है, क्योंकि दशमेश तो तब आएगा ना जब आप अंदर से कुछ करना चाहते हैं। मान लीजिए आपका लग्नेश पंचमेश नवमेश अच्छी स्थिति में प्लेस्ड है और दशमेश अच्छा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आप करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पाएगा एक्सटर्नली, राइट। लेकिन अगर आपका लग्नेश पंचमेश और नवमेश ही ठीक स्थिति में नहीं है और आपका दशमेश मान लीजिए उच्च का है या एकादश में बैठा है या लगन में बैठा है, ऐसा कुछ है, तो फिर ऐसा होगा कि वो मतलब जैसा हम कहते हैं ना कि वो खुद वो डिजर्व नहीं करता है लेकिन वो उसके भाग्य के वजह से उसको मिला है, उस टाइप का मतलब ऐसा मैंने देखा है कि मतलब ऐसा है कि अगर उसको सेम सिचुएशन में आप डालते किसी और के साथ तो शायद उसको वो चीज नहीं मिलता, लेकिन वो उसके भाग्य में है तो ऐसा है ना ऊपर वाले ने ऊपर से ऐसा डाल दिया है कि बेटा ले लेता, लेकिन वो सेल्फ में उसमें वो मोटिवेशन या कैपेबिलिटी वो चीज नहीं है। जब सॉरी सॉरी बीच में जब दशमेश बलि हो तब मैंने कहा जब जब दशमेश बहुत अच्छी स्थिति में और त्रिकोण के स्वामी अच्छे ना हो तो वो मतलब ऐसा है कि उसके सेल्फ एफर्ट से उसको उतना नहीं मिला है, मे बी उसका पिछले जन्म का कुछ है उसके वजह से ना वो, जैसे जब मेरा भी एक दोस्त है वो ज्यादा चीजों में मेहनत नहीं करता है लेकिन उसका कुछ कर्मा वैसा है ना कि वो आधी मेहनत करेगा तो भी मिल जाता है उसको। और उल्टा कुछ ऐसे लोग देखा है मैंने ना जिनका ये तीनों त्रिकोण के स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में है लेकिन उनका जैसा दशमेश ठीक ठीक नहीं है, राइट राइट राइट, या कुछ पाप ग्रह का प्रभाव है दशम भाव में, उस टाइप की चीजें देखिए, तो उनका ऐसा होता है कि लाइफ में वो भले उनको सक्सेस लेट मिले या ना मिले लेकिन वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, मतलब सेल्फ मोटिवेटेड जो बोलते हैं ना, जी, जी जी जी, उनको किसी की मोटिवेशनल वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो मुझे तो ये करना ही है, रिजल्ट आएगा कि नहीं वो बात की बात है, मैं अपना काम करूंगा, ठीक है रिजल्ट आया तो ठीक, नहीं आया तो वो ऊपर वाला जाने ना। तो वो मतलब जैसा ये देखा है मैंने, वो भाग्य या डेस्टिनी पे छोड़ नहीं देते, जिनका 1-5-9 जैसा अच्छा होता है ना मैंने देखा है, वो अपना कर्म अच्छे से करते, अपना धर्म निभाते, बाकी वो भाग्य में जितना ऊपर जाना है नहीं जाना है वो तो अल्टीमेट तो वही होता है, हम जितना भी कर ले तो मिलना होता है वही मिलता है, आप कुछ भी करो लाइफ में तो ये मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस रहा है। आप नितिन जी बोलिए। नहीं मैं वही मैं आपकी बातों को समअप कर रहा था, आपने जैसे कहा कि लग्नेश और दशमेश का अगर कोई संबंध है तो व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, मतलब अगर उसने ठान लिया तो वो चीज को अटेन करने के लिए मेहनत कर सकता है। कई बार हमारे पास लोग आते हैं कि उन्हें पता है कि उनके लिए क्या सही है, मुझे याद है आपका एक वीडियो मुझे कुंभकर्ण के ऊपर बनाया था आपको, बाबाजीत भाई याद नहीं होगा शायद, भाई तुम लोग बनाते रहते हो, उसमें आपने कहा था कि सोसाइटी में सभी आज के टाइम में कुंभकर्ण को पता था सही क्या है लेकिन उसके बाद भी उसने वो गलत किया क्योंकि वो रजिस्ट नहीं करा या उसने जो भी जैसे आपने पॉइंट को रखा था वो बात, वो वीडियो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो मैं वही बात मेरे दिमाग में आ रही कि क्या सही है क्या करना चाहिए वो सबको पता है लेकिन कर्म या वो मोटिवेशन नहीं मिलता और लोग आगे बोलते सर मैं तो सुबह कर नहीं पाता, उठ नहीं पाता, पता है मुझे उठना चाहिए लेकिन मेरी आंख नहीं खुलती है, या यू नो मुझे पूजा करनी चाहिए मैं पूजा नहीं कर पाता, ऑफिस टाइम पे जाना वो नहीं हो पाता। तो आपने ये कहा कि लग्नेश दशमेश का संबंध हुआ तो व्यक्ति को सेल्फ मोटिवेशन मिलता है जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर दूसरा मैं वही अभी तो आप ही के ख्यालों में खोया हुआ था जो बातें आपने कही उन्हीं को जोड़ रहा था एक,
एक वो मैं 159 वाली बात जो आपने कही कि यार 159 अगर बलि है तो व्यक्ति के पास कोई ऑब्जेक्टिव तो है करने के लिए, फिर उसका 10th हाउस काम आएगा। अगर उसका 159 स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो ऑब्जेक्टिव वहां पे है नहीं, वो तो मेहनत अपने आप हो गया वाली बात हो रही है। लेकिन क्योंकि आपके 159 पास्ट लाइफ के जो आपके जो जो एक उद्देश्य लेकर कोई आ रहे थे वो कमजोर हो गया क्योंकि 159 आपका वीक है। मैं जैसे आपकी बात से समझ पाया बिल्कुल, मैं इस चीज को मैं भी देखता हूँ। मैं इसको इस तरह भी देखता हूँ कि अगर मान लीजिए चार्ट आया मेरे पास और व्यक्ति 3, 6, 10, 11 से संबंध भी बना लिया उसने, लेकिन बनाने के बाद वो वहां पर क्रूर ग्रहों के प्रभाव में आ गया, तो जो अभी आपने कहा ना कि कितना मर्जी समझा लो कि भाई गलत है मत कर मत कर, वो जाएगा और जाने के बाद क्योंकि वो क्रूर ग्रहों के प्रभाव में वो सफर भी करेगा, राइट। अगर वहीं पर वो व्यक्ति जाकर 3, 6, 11 के प्रभाव में हो और उसकी अवस्था सुधर जाए, मतलब उसको बेनिफिट प्लैनेट देख ले, वो चेष्टा बल मिल जाए, उसको उसको दिग बल मिल जाए, तो हम बोलते हैं कि भाई ये मेहनत करेगा और उसके बाद इस चीज को अटेन भी कर लेगा। तो वैसे मैं इसको क्रॉस चेक करता हूँ। बाकी आप बाबाजी भाई कुछ कुंडलियां लाए थे उसी के थ्रू। हाँ, और एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, मतलब जैसे अगर आप ज्योतिष के एंगल से देखें तो जो दुस्थान है हमारे 6, 8, 12 राइट, उसमें से तो सबसे दुखदायी सबसे कष्टदायी 12वां घर है, क्योंकि वो पूरा लॉस का ही घर है हमारा, किसी भी चीज का लॉस हो सकता है वो। लेकिन आप आध्यात्मिक स्तर पे अगर देखे ना तो वो 12वां घर नहीं है, वो 8वां घर सबसे खतरनाक घर है, क्योंकि जैसे हमारे गीता और भागवत ये जो ग्रंथ है वो बोलते हैं कि मतलब अगर एस्ट्रोलॉजी के साइड से देखे तो जो 12वां घर है वो किसका 12वां है, वो आपके लगन का 12वां है ना। तो लगन मतलब आपको जिंदा रहने के लिए जो जो चीजें चाहिए दुनिया में, जैसा पैसा, गाड़ी, कपड़ा, मकान या शादी, बच्चे, जो भी, उसका लॉस है, लेकिन वो फिर भी ठीक है। लेकिन जो 9वें घर का जो 12वां है ना, वो जो वो 8वां जो घर है वो उससे भी भयानक है आध्यात्मिक स्तर पे देखेंगे तो, क्योंकि वो मतलब जो आपका जो गुरु का घर है ना, क्योंकि 8वां घर जो है वो बताता है कि तुम्हें गुरु या किसी ऊपर वाले किसी की जरूरत नहीं, तुमको जो ठीक लगे वही करो, इसीलिए तो उसको डार्कनेस बोला जाता है, अंधकार बोला जाता है। इसीलिए वो श्लोक आता है ना, ओम अज्ञान तिमिरं धस्य, कि मेरे गुरु ने मुझे अंधकार से मुझे निकाल लिए है ना, इसीलिए वो श्लोक बोला जाता है। तो मैंने देखा है कि अगर 8वें घर का स्वामी जो है ना, उसका अगर जैसे गुरु या 9वें घर से या 9वें से कोई संबंध बन जाता है, तो वो आदमी में ना अगर निराशा आती भी है तो वो उसको एनलाइटनमेंट कहीं ना कहीं से मिल जाता है। क्योंकि फिर मैं एग्जांपल है वो दिखाऊंगा, वो जो मकर लगन का जो कुंडली है ना वो वाला निकालेगा उसमें दिखाता हूँ। तो ये मेरे एक सीनियर की कुंडली है, ये मेरे गुरु भाई है, बहुत ही वेरी नाइस पर्सन, बहुत ही ज्यादा अध्यात्म पे उन्होंने तरक्की किया है, और इनका कुंडली तो आप देख ही रहे, जैसे इनका गुरु उच्च का है, लगन को देख रहा है, उसके बाद इनका जो आप 9वां घर देखिए इनका, मैं क्या कह रहा था अभी, अगर 8वें घर का जैसा 9वें घर से या 9वें घर के स्वामी से अगर कुछ संबंध बनता है ना, तो यहाँ अष्टमेश कौन है, यहाँ पे तो सूर्य अष्टमेश है, तो सूर्य नारायण खुद बैठे हैं 9वें घर में, और 9वें घर का जो स्वामी है ना वो भी वहीं बैठे हुए हैं बुध, और वो खुद ही उच्च के हुए है, और यहाँ में शुक्र तो आप जानते ही कौन है, शुक्र योग कारक ग्रह है मकर लगन में, तो योग कारक और 9वें का जैसा ना अष्टमेश से संबंध बन गया है। तो अभी ऐसा अगर मान लीजिए उल्टा मान लेते हैं अपना, मान लीजिए बुध सूर्य और शुक्र अष्टम में बैठ गए, तब तो डिजास्टर हो जाता है। क्योंकि फिर ये सब लोग वहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये लोग सब अच्छे घर में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति है ना, इनका लाइफ में ये मुझे हमेशा कहते थे कि ये जैसे US गए थे मास्टर डिग्री करने, और वहां में इनकी शादी वादी हो गई, और इस कुंडली को मैंने बहुत तकरीबन 10-15 बार तो दिखाया मेरे खुद के चैनल पे, तो ये मुझे हमेशा कहता है कि मेरे लाइफ में जब भी कोई समस्या आती है ना, आध्यात्मिक स्तर पे नहीं, भौतिक स्तर पे भी, जैसा मान लो मैं US गया तो वीजा का प्रॉब्लम हुआ था उनको,
शादी करने वाले थे तो लड़की ढूंढने में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो अनेकों चीजों में इसको इनको समस्याएं रही है। तो वो मुझे हमेशा बोलते कि मैं मेरे गुरु को जब एक फोन लगाता हूँ ना, सब सब हवा हो जाते हैं। वो मुझे बोले ये क्यों होता है, कैसे होता है, मुझे समझ में नहीं आता है। और कभी कभार ऐसा होता है ना, जैसे वो अपने गुरु से पूछेंगे कि वो मुझे वीजा नहीं मिल रहा, अभी आप बताइए गुरु गुरु उसमें क्या हेल्प करेगा आपकी, वीजा नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, तो क्या कर बात सकते है, बिल्कुल हैं। बिल्कुल। हाँ, गुरु तो कोई किसी प्राइम मिनिस्टर को फोन नहीं कर सकते, किसी को धमकी नहीं दे सकते, अरे इसको वीजा दे दे। लेकिन वो मेरे से कहते हैं कि जब उनसे बात किया ना, तो उनके गुरु ने बताया कि ठीक है, अगर तुम्हारे कर्मा में यूएस जाना लिखा है तो वीजा रिजेक्ट हो भी गया तो भी तुम जाओगे कैसे तुम। और अगर नहीं जाना है तो अगर वीजा मिल भी गया तो वहां जाके भी तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी, वापस आ जाओगे तुम, या तो दुखी रहोगे वहां जाके, रोने लगोगे तुम कि यहाँ यहाँ मैं क्यों आ गया। तो उन्होंने सोचा कि हाँ, अगर मेरे कर्मा में है तब तो मैं ऐसे भी जाऊंगा, तो मैं क्यों बैठ के यहाँ चिंता करूं मुझे वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया ना, वो सोच ही उन्होंने छोड़ दी वीजा की, और उसके बाद कुछ दिनों बाद उनको वीजा मिल गया तो चले गए वो यूएस। तो ऐसे हजारों चीजें एग्जाम्पल वो मुझे देते हैं जो कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे। तो जी यहाँ पे ये देखिए, जो इनका सूर्य है वो अष्टमेश है ना, तो अष्टमेश खुद नवम घर में चला गया है। मतलब इस कुंडली में ऐसा है कि ना, कि मतलब ये आदमी को कभी निराशा होता ही नहीं। जैसे इनका हेल्थ बहुत खराब है, लग्नेश 12वें में है ना, जी तो इनका हेल्थ में बहुत इशू रहता है, बोन का इशू रहता है। जैसे शनि है, शनि तो बोन्स का कारक है ना, हड्डियों का, तो इनको बहुत प्रॉब्लम रहता है ना, बैकबोन में सीवियर इश्यूज रहते हैं इनके। लेकिन वो आपको कभी, मतलब इनको जितना समस्याएं होती है ना लाइफ में, इसका 1% भी किसी नॉर्मल इंसान को हो जाए ना, तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा शायद वो आदमी शायद जी नहीं पाएगा वो ना, या बहुत बुरी हालत हो जाएगी उसकी। लेकिन ये आदमी पता नहीं कैसे, मतलब इतना सारा है वो कर लेता है ना, मतलब इतना टॉलरेंस ज्यादा है ना उसमें, वो नवे घर के वजह से है ना। जैसा शुक्र अभी पंचमे से, वही बता रहा था मैं, पंचम नवम। बिल्कुल तो वही है, ये बहुत बहुत बढ़िया कुंडली है ये। जी।